नौकर हैं। मैं तो समझा था कि तुम यहां भी पुलिस की वर्दी में आओगे। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? कोई बात नहीं, काम से आने वाले अक्सर देर से आते हैं। जानते हो रवि, मैंने तुम्हें यहां मिलने क्यों बुलाया? मेरे घर आना तुम्हारी शान के खिलाफ है भाई, तुम्हारे घर जाना मेरे असूल के खिलाफ। हम कहीं और ही मिल सकते थे। नहीं, हम और कहीं नहीं, सिर्फ यहीं मिल सकते थे। हम एक दूसरे से कितने भी अलग हो जाएं, हमारे बचपन एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। आज जब हम दोनों के बीच के सारे पुल टूट चुके हैं, तो बस यही एक पुल बचा था। ये पुल जिसके नीचे हमने अपना बचपन गुजारा। यहां मैं जो कहना चाहता हूं, उससे पहले मैं ये पूछ लूं कि इस वक्त मुझे सुनने वाला कौन है, एक भाई या एक पुलिस ऑफिसर? जब तक एक भाई बोल रहा है, एक भाई सुन रहा है। जब एक मुजरिम बोलेगा, एक पुलिस अफसर सुनेगा। रवि, तुम नहीं जानते तुमने किन लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है। आज तो मैंने उन्हें रोक लिया, लेकिन कल शायद ना रोक सकूं। तुम यहां से ट्रांसफर ले लो रवि, कहीं और चले जाओ। मुजरिम भाई का भेष बदल कर बोल रहा है। लगता है वो दीवार जो हम दोनों के बीच है, वो इस पुल से कहीं ऊंची है। रवि, तुम नहीं जानते तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम क्या हो सकता है। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उसका अंजाम शायद बुरा भी हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है भाई। रवि, मैं तो अपनी बाजी खेल चुका हूं, अब हारूं या जीतूं, लेकिन तुम्हारे पास तो अभी वक्त है। इस शहर के बाहर दूसरे शहरों में भी तो पुलिस स्टेशन होते हैं, कहीं और चले जाओ। नहीं, मेरे असूल, मेरे आदर्श मुझे इसकी इजाजत नहीं देते हैं। उफ, तुम्हारे असूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के हैं? तुम्हारे असूल, तुम्हारे सारे असूलों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। फिर आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो? क्या दिया उन आदर्शों ने? एक 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, दो जोड़ी खाकी वर्दी। देखो देखो, ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। जिन उसूलों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या किया उन आदर्शों ने? 400-500 रुपए का इसका नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, एक कंपनी। यार कितना अच्छा आ रहा है, भूलकर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। जिन उसूलों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या किया उन आदर्शों ने? 400-500 रुपए का क्वार्टर। अब यार तुझे देख रहा हूँ, ऐसे ही छोड़ जाएगी।